हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है मकर संक्रांति, तो आज के व्लॉग में हम पतंग लाएंगे और पतंग को उड़ाएंगे। तो पतंग को लेकर आज एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वो किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें। तो अभी हम पतंग उड़ाएंगे, तो टोटल 10 पतंग लेके आए हैं और 10ों को एक साथ में ऊपर चढ़ाएंगे। तो आप देखना कैसा रिव्यू होता है। तो आप देख सकते हैं, इसके अभी डोरी लगा लेंगे और अलग अलग तरीके से अलग अलग पतंग को अलग अलग तरीके से उड़ाएंगे। किसी के पीछे पॉलीथीन लगाएंगे, किसी को बिना पॉलीथीन के उड़ाएंगे। तो आप देखिए आगे किस प्रकार से क्या होता है। तो आप देख सकते हैं, ये जो पतंग हैं वो पड़े हैं और इतनी सारी गटियाँ लेके आए हैं और अब इसके डोरी लगा रहे हैं। इस प्रकार से आप देखिए, ये जो धागा है वो इस प्रकार से लगाएंगे और फिर इसको आसमान में उड़ाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और आगे शेयर भी करें। तो आप देख सकते हैं, पतंगे धड़ा कर रहे हैं। तो ये डोरी है, इसको इस प्रकार से बांध कर ये जो पतंगे जो धड़ा है वो कर रहे हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे भी इस प्रकार से ये जो धड़ा है कर रहे हैं। और सभी पतंगे पहले एक साथ धड़ा कर लेंगे, फिर सभी को इन गटियों की सहायता से हम आसमान में उड़ाएंगे। तो पूरा वीडियो बनाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये जो पतंग है वो ऊपर लगा रहे हैं और सब ये वो दो पतंग आपस में टकर गए हैं। वो देखिए देखिए, ये देखिए इस प्रकार से नीचे गिर गए, दोनों साथ में हो गए। और ये देख, ये ऊपर जा रहा है, अभी इसको वापस उड़ाया है, एक वापस उड़ गया है और दूसरे वाला ये इसको साथ में उड़ाएंगे। तो हम टोटल 10 पतंग हैं, 10-11 पतंग हैं, 10ों को सभी को साथ में उड़ाएंगे। तो आप देखिए, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों साथ में, और ये देखो नया पतंग है जो दोनों साथ में उड़ा रहे हैं। ये जो नया पतंग अभी हो गया। तो मैंने सभी को साथ में उड़ाने का सोचा था कि मैं सभी को पास में रखकर और सभी जो पतंग है उसको साथ में उड़ाऊंगा 10-11 को, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि दोनों आपस में टकरा जाते हैं और एक दूसरे के अंदर अड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो अब ऐसे नहीं करेंगे, अब कुछ प्लान में चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ी दूरी दूरी पे उड़ाएंगे, फिर आपको ये वीडियो है उसको बनाएंगे। क्योंकि अब ये देखो ऊपर जा रहा है लेकिन एक दूसरे के अंदर जाके घुस जाते हैं। तो आप देखिए, ये ऊपर गया लेकिन उसके अंदर घुस जाएगा। तो थोड़ी देर में क्या करूँगा, इसको पहले अलग अलग लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हो, ये जो पतंग है इसके चारों पाइप से ये खुल चुका है और केवल इतना सारा है और फिर भी उड़ रहा है। सकते हैं इस प्रकार से ये दो पतंग साथ में उड़ रहे हैं और तीन पतंग वहाँ पे हैं, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा कर दी, अब तो दिखाई नहीं देंगे क्योंकि नीचे होता है तो बार बार गिर जाता है, गिरने की प्रॉब्लम रहती है। और इसलिए ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सूर्य के सामने आ गया इसलिए भी कम दिखाई देता है, लेकिन सारे के सारे जितने पतंग थे मैंने इसको ऊपर कर दिया है। आप देखिए, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए वो नीचे गिर रहा था लेकिन वो ऊपर जाएगा। और उसके अलावा जो ऊपर वाला पतंग है वो आप देखिए, ये जो है वो उड़ रहा है, ये और ये भी उड़ रहा है। आप देख सकते हैं, ये जो पतंग अभी ऊपर चढ़ा रहे हैं और वो तब तक नीचे गिर गया। तो मेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि पतंग ज़्यादा थे और हम टीम मेंबर कम थे, तो हर व्यक्ति को दो या तीन पतंग उड़ाने पड़ रहे थे। तो तीनों साथ में उड़ाते हैं तो एक दूसरा अटक जाता है बीच में, तो इस वजह से सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। तो ये हमारा जो प्लान था वो सक्सेस नहीं हो पाया। हमने सोचा था कि हम साथ में पतंग उड़ाएंगे लेकिन नहीं हुआ। लेकिन अब इसको देखो आप, मैं खुद उड़ाऊंगा इसको। तो आप देखिए, ये इस प्रकार से ऊपर जाएगा और तब तक कोई दूसरा गिर जाएगा। तो अब सभी को एक साथ उड़ाना, 10 लोग होते तो 10 पतंग एक साथ उड़ा सकते थे, लेकिन तीन ही लोग हैं, 3-4 लोग हैं टीम में, और 4 लोगों को 10-11 पतंग एक साथ उड़ाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए जो हमने प्लान बनाया था वो नहीं हुआ। देखो अभी ये गिर गया। तो इस प्रकार से ये सारा सेट नहीं हो पा रहा है कि आप इस प्रकार से, जो आज पतंग का महोत्सव है, ये जो पतंग महोत्सव था वो हमने इस प्रकार से मनाया है। तो 7-8 पतंग तो हमने उड़ा दिए थे, लेकिन हमारे ने सोचा था कि 7-7 में 11 पतंग एक साथ में उड़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास टीम में मेंबर कम थे। तो दोनों अगर साथ में लेके रखे तो दोनों एक दूसरे के बीच में कट हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से नहीं हुआ, पर जैसा भी जितना भी हुआ, जैसा भी किया, अच्छा लगा, काफ़ी टाइम पास हो गया है। वायर
तो अभी बनाएंगे बेसन के पकौड़े। अभी बेसन के पकौड़े बनाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आलू है, आलू और ये मिर्ची और ये बेसन, आप देख सकते हैं ये जो मसाला है, ये मसाला तैयार कर दिया है और प्याज, आलू और धनिया और मिर्ची, इतनी चीज़ इसके अंदर डाली है, बाकी जो मसाला था वो भी डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं ये जो पकौड़े हैं वो इस प्रकार से बन रहे हैं और ये इसका मसाला है और यहाँ पे देखो बना के रखे हैं इस प्रकार से, और ये जो चटनी है मीठी चटनी इस प्रकार से बनाई है तो काफ़ी टेस्टी बना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत से पकौड़े बन रहे हैं वाइट वाइट, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी है, इसको इस प्रकार से बनाएंगे। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे चैनल पर अलग अलग जगहों के बारे में वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।